विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, 130 दिन हो गए नीतीश जी, अब तो घर से निकलिए, कम से कम हालात का हवाई जायजा लीजिए, बाढ़ से हालात बद से बदतर हो गए हैं। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर सम्मान विनम्र विनती है कि कृपया कोरोना और बाढ़ जैसे गंभीर परिदृश्य में अदृश्य ना रहे। तेजस्वी ने आगे लिखा, 130 दिन हो गए हैं, कृपया अब तो जनता के लिए घर से बाहर निकलिए, ऐसी सरकार और राजा का क्या फायदा जो मुसीबत के समय अपनी जनता को मरने के लिए भाग्य भरोसे छोड़ दे। बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला और नीतीश सरकार को फेल करार दिया। उन्होंने इससे पहले भी एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, यदि हम कोविड डेटा को देखते हैं तो यह बिहार में नेतृत्व की भारी विफलता का संकेत देता है। सरकार के स्तर पर दिशा और रणनीति का स्पष्ट अभाव है। जब हम न्यूनतम दैनिक परीक्षण की आवश्यकता 10,000 थी तो बिहार ने मुश्किल से 3,000 किया। परीक्षण के तहत नीतीश जी कोरोना के आंकड़े कम दिखाना चाहते थे। इसके बाद अगले ट्वीट में लिखा, कम टेस्टिंग की वजह से बिहार में बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला और इसकी वजह से लोग तेजी से पॉजिटिव हुए। जून के बाद से रिकवरी दर में कमी आ रही है और मृत्यु दर बढ़ रही है। आज जब प्रतिदिन परीक्षणों की मांग 40,000 है, बिहार केवल 10,000 कर रहा है। बता दें कि शनिवार को ही राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया जिसमें लिखा, बिहार के कंटेनमेंट जोन एंटरटेनमेंट जोन से कम नहीं है। गौरतलब है कि बिहार में 8 जुलाई से लेकर अब तक कोरोना संक्रमण के मामले औसतन 1200 से ऊपर जा रहे हैं। हर दिन सामने आ रहे कोरोना मरीजों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो हर 8 जुलाई को 749 मामले सामने आए और आंकड़ा 13,274 तक पहुंच गया। 9 जुलाई को 704 नए मामलों के साथ 13,978, 10 जुलाई को 352 मामलों के साथ 14,330, 11 जुलाई 709 नए मामलों के साथ 15,039, 12 जुलाई को 12,066 नए मामलों के साथ ही 16,305, 13 जुलाई को 11,016 नए मामलों के साथ 17,421, 14 जुलाई को 1432 संख्या 18,853, 15 जुलाई को 1,320 नए केस के साथ कोविड मरीजों की संख्या 20,173 हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। वहीं 16 जुलाई को 1,385 के साथ 21,000, 17 जुलाई को 1,742 नए मरीजों के साथ 23,300, 18 जुलाई को 1,667 संक्रमित मिलने के साथ ही 24,967, 19 जुलाई को 1,412 नए मरीजों के साथ 26,379, 20 जुलाई को 1,076 नए मामलों के साथ ही 27,455, 21 जुलाई को कोविड पॉजिटिव के 1,109 मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 28,564 पहुंच गई। 22 जुलाई को 1,502 केस मिले और आंकड़ा 30,066 पहुंच गया। 23 जुलाई को बिहार में 1,625 केस मिले, कुल संक्रमितों की संख्या 31,691 हो गई एवं 24 जुलाई को 1,820 मामले सामने आने के साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,691 पहुंच गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।